रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, एलपी सीबीटी 2 परीक्षा का चलते चलते आरआरबी का बोर्ड नंबर 20 पहुंच गए हैं, जिसमें आपकी नोटिफिकेशन के अनुसार भी है आरआरबी सिलीगुड़ी 20वें नंबर पे। 19 तक का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट के रूप में। तो सिलीगुड़ी के एनालिसिस क्या करें, तो सबसे पहले बता देते हैं जिन्होंने एलपी सेलेक्ट किया है साइको की तैयारी करें, बशर्ते आपकी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में क्वालिफाई मार्क्स आपके यूआर ओबीसी एससी एसटी और सारे जो कैटेगरी है उसके अनुसार से आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको साइको देने का एक मौका मिलेगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि इतनी जल्दी कैसे बता दिए आपने, एनालिसिस कट ऑफ संभावनाएं भी आपने नहीं बताया, डायरेक्ट आपने एलपी वाले के पास आ गए। तो देखो, ऐसी कंडीशन है इस आरआरबी में, जितने कैंडिडेट केवल एलपी में पास होने चाहिए उतनी पूरी आरआरबी में भी नहीं पास हुए हैं। तो मैं कह दूं कि आप एलपी में 8 गुना कैंडिडेट जाना है और पूरी बोर्ड का रेशियो 10 के आसपास है, तो आप साइको देने जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो कुछ लोग कहेंगे अजीब बात है भाई, कैसे ऐसे होगा? तो पता है यहाँ पे आपको एलपी के पोस्टों की संख्या 534 है और 534 का 8 गुना कैंडिडेट जाएंगे तो 8 × 45 के करीब करीब ये 4000 कुछ प्लस होते हैं, उसमें टेक्नीशियन भी है पीसीएम भी है, और टोटल दोबारा जब रिजल्ट भी आया है तो 9331 कैंडिडेट ही पास हुए हैं। तो कह सकते हैं आप साइको के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो जाएंगे, तैयार रहिए, प्रिपरेशन कीजिए, साइको की तैयारी कीजिए। अब चलिए, लोगों की संतुष्टि नहीं है फिर भी आगे चलते हैं, हमारा काम है बताना, आपको करना है करना। कुछ लोग कहते हैं साइको की वीडियो आप बता के प्रैक्टिस कराते रहो, प्रैक्टिस कराना नहीं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस खुद करना होता है। तो चलिए सिलीगुड़ी में आपको आते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे साइको के लिए आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, और अपने आप कॉन्फिडेंस आपको नहीं होगा, जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो एक यही भी होता है कि आपको तैयारी करना है। तो चलिए इस बात को छोड़ते हुए हम चलते हैं पहले अभी सिलीगुड़ी का। सिलीगुड़ी किस में आता है? एनएफआर में, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में, जो आपके गुवाहाटी और कभी कभी गोरखपुर के साथ ये टच होता है। गोरखपुर में भी ये वैकेंसी कभी लिया जाता है एनएफआर का, कभी गुवाहाटी में भी है और आपका सिलीगुड़ी में भी, तीनों में। टोटल पोस्टों की संख्या अगर बात करेंगे तो 875 है, उसमें से 534 अकेला आपका एलपी के लिए है और टेक्नीशियन के लिए 303 है, पीसीएम के लिए मात्र 38 पोस्ट है। तो पीसीएम में कैंडिडेट भी कम अप्लाई किए होंगे, लेकिन 15 गुना यहाँ कैंडिडेट तो दिख रहा है कि 15 गुना कैंडिडेट हैं। अब बात करते हैं एलपी की साइको की, में 8 गुना कैंडिडेट जाना है तो 8 × 45 = 24, अगर कहें 4200 कैंडिडेट केवल एलपी में जाने हैं साइको के, इतना कैंडिडेट में अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं एलपी में, तब अभी इतना करे हैं नहीं करे हैं उसकी भी एनालिसिस हम करेंगे आगे बात में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टोटल कैंडिडेटों की संख्या आरआरबी सिलीगुड़ी में कितनी है। तो जब पुराना रिजल्ट आया था, जिसमें बिना रिवाइज के रिजल्ट आया है, उसमें 6328 कैंडिडेट पास हुए थे और रेशियो था 7.23, जो मैं पहले भी लिख रखा हूँ इधर भी। और जब रिजल्ट दोबारा आया, जिसमें कट ऑफ 40% से ऊपर वाला बना था ओरिजिनल रिजल्ट जो सबसे पहले वाला, उसमें कटअप इस तरह से आपको दिखाया गया है, इस तरह का कटअप है आपका एलपी मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकनिशियन का और पीसीएम एसएनटी का। अब यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी बात, जब रिवाइज रिजल्ट आया तो आपका यूआर का 30, ओबीसी यूआर का 40 सॉरी ओबीसी का 30, एसी का 30 और एसटी का आपको 25 मार्क्स लाने थे और आपने ला लिया तो दूसरे रिजल्ट में आ गए। अगर इतना करने के बाद भी दूसरे रिजल्ट आने में लोग 9331 पास हुए हैं और ओवरऑल वैकेंसी का 10.66 रेशियो है। तो कहते हैं ना कि जितनी छोटी मकान उतनी महत्व कम, लेकिन गलत बात। यहाँ पे सिलीगुड़ी छोटा आरआरबी था, वैकेंसी कम थी, लेकिन जो अप्लाई किया है उनके लिए एक बेटर फ्यूचर यहाँ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कैंडिडेट कम है, पोस्ट ज़्यादा उस हिसाब से हो गई, जो एवरेज रेशियो के हिसाब से। तो कुछ लोग कहेंगे कि चलिए इसकी एनालिसिस के पार्ट में अगर चलें, तो सबसे पहले हमारा काम है कि हमने जो पहले रिजल्ट आया था उस कैंडिडेट को ढूंढ लें।
तो यहाँ देखें अगर एलपी में मैकेनिकल में देखेंगे तो यूआर में 40 पे गया है, ओबीसी में 30 पे गया है, एससी में 30 पे गया है और एसटी में 25 पे मात्र गया है। तो कह दूं कि यहाँ 15 गुना से बहुत कम कैंडिडेट पास हुए हैं। अगर 15 गुना से थोड़ा भी ज़्यादा होता तो ये कट ऑफ ज़्यादा निकल जाता। किसी में दिख रहा है 0.5, जो मिनिमम नंबर फ्रैक्शन में बन सकते थे वही नंबर यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। तो 15 से कम है तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते 15 से कम कितना हुआ, क्योंकि रेलवे ने डिसाइड किया था कि हर पोस्ट की 15 गुना कैंडिडेट CBT2 में हम ले जाएंगे। क्लियर है। दूसरा कंडीशन अगर टेक्नीशियन में भी देखें तो मिनिमम कटअप वही जो क्वालिफाई मार्क्स था वही है जिसकी पोस्टों की संख्या ज़्यादा है, और कुछ कटअप जो ज़्यादा हैं उनकी पोस्टों की संख्या 2, 4, 5, 8 या 10 के रेशियो में है, तो उसकी कटअप तो हाई जाने ही जानी है। अब PCM की बात कर लेते हैं। PCM में मात्र 38 सीट है और कैंडिडेट की संख्या अगर देखें तो यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। कैसे कि 38 सीट के लिए कटअप 62.06 हो गया है, 62.74, 55.18 किसमें OBC में, 54.72 सिग्नल एंड टेलीकॉम दोनों का अलग अलग है। उसके बाद आप करें तो AC में 50.11 और 52.62 आपका AC में टेलीकॉम में। उसी तरह ST में अगर देखेंगे तो 37.42 और 38.08 ये कटअप था प्री रिवाइज का। अगर मान लें कि यहाँ 15 गुना कैंडिडेट इस नंबर पे थे, क्लियर है, नहीं होता तो यहाँ 40 ही होता अगर 15 गुना नहीं होता तो। तो ध्यान दीजिए 15 गुना इस नंबर पे थे, जब रिवाइज रिजल्ट आया तो इसके 22 नंबर, इसके 25 नंबर, इसके 22 नंबर और इसके करीब करीब 7, 5, 12 नंबर, ये सारा कैंडिडेट कहाँ आ गए नए रिजल्ट में। नए रिजल्ट में आ गए तो संख्या मान सकते हैं इस वाले में संख्या बढ़ गई होगी, और पहले के अनुसार से 38 का 35 गुना था तो इसको अगर देख लें तो 600 पहले कैंडिडेट थे, तो अगर ये कैंडिडेट बढ़ के अगर 2000 भी हो गए तो समझ जाइए वैकेंसी की पूरी लाइन चेंज। अगर 2000 कैंडिडेट PCM में हो गए, मात्र 2000 मैं ले रहा हूँ, हो सकता है संख्या ज़्यादा भी होगा, तो PCM में अगर 2000 कैंडिडेट आ गए तो टोटल कैंडिडेट में से अगर 2000 घटा दीजिएगा तो ये संख्या करीब करीब 7000 होती है, और LP की साइको देने वाले कैंडिडेट की अकेला संख्या 42-4300 होगी। तो मान सकते हैं 3000 कैंडिडेट अगर टेक्नीशियन के लिए भी ऑप्शन किया हो तो साइको सभी कैंडिडेट देंगे या नहीं देंगे, आपको सूटेबल है या सहमत है, असहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इसीलिए मैंने बोल दिया जो भी कैंडिडेट होगा साइको देने ज़रूर जाएगा, उन्होंने अगर ALP सेलेक्ट कर रखा है और पार्ट ए और पार्ट बी क्वालिफाई कर गए हों अपने अपने कैटेगरी के अनुसार। क्लियर है। तो साइको देने की आपको मौका ALP में मिल जाएगा, और मेरिट की बात बनेगी तो साइको में से 8 में से 1 कैंडिडेट को जॉब मिलेगा, 1 कैंडिडेट वेटिंग में रहेंगे, तो कह सकते हैं 8 में से 2 कैंडिडेट मिलेगा, तो 6 को यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा, और 6 से बाहर जाएंगे तो या तो टेक्नीशियन में एडजस्ट होंगे या फाइनली उनको जॉब नहीं मिलेगा, तो उसमें आपकी मेरिट बनेगी नंबर के अनुसार। और ये नंबर 5 से 10 नंबर आपके कैटेगरी में ज़्यादा है तो कहीं भी बिलोंग कर सकता है, क्योंकि साइको का एग्ज़ाम होगा उसमें कितने अटेम्प्ट लोग कर पा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर कोई लोग 300 प्लस करता है या 250 भी करेगा तो उसके अनुसार से बहुत 5-6 नंबर का डिफरेंस साइको में भी हो जाता है। किसी का 16 आता है वो भी पास रहता है, किसी का 24 आता है वो भी पास रहता है, आउट ऑफ 30 के टर्म में कैलकुलेट किया जाता है तब। तो ध्यान दीजिएगा ये नंबर भी आपको मायने रखता है साइको में जब जाएंगे। अब टेक्नीशियन की बात कर देते हैं। टेक्नीशियन में बात करना है तो आपको जो जिसकी पोस्ट ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वगैरह जिनकी मिनिमम कटअप गई है वहाँ तो सिलेक्शन बहुत ईजी है। आपको OBC में है, आपका UR में है तो 45 से 50 के बीच में पॉसिबल है एक चांस। उसके बाद अगर वो OBC में बनते हैं तो इससे 2-4-5 नंबर कम, ST में है तो 2-4-5 नंबर और कम, और उसी तरह 2-3 नंबर और प्लस माइनस 5 रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट कैंडिडेट एग्जैक्ट नहीं मिले हैं दोबारे वाले में, पहले वाले में एग्जैक्ट मिले थे दोबारा में नहीं मिला। उसके बाद PCM में कहें तो PCM की कटअप यहाँ ज़्यादा जाएगी, पोस्ट बहुत कम है 38 है, और ऐसे कैंडिडेट भी हैं कि जो 70 प्लस स्कोर करने वाले मिले हैं,
तो कह सकते हैं कि यहाँ 70+ अगर स्कोर है तो एक उम्मीद रख सकते हैं यूआर के लिए। उसी तरह बाकी कैटेगरियों में 2-4-5% कम आगे पीछे हो सकता है। तो ये संभावना था आरआरबी सिलीगुड़ी में। तो यहाँ पे हम कहें कि हमने जो बोला है आपके लिए एलपी वाले साइको के लिए तैयार रहिए, आपके लिए 95 से लेकर 99% तक दरवाजे खुले हैं। बस 1% ही दिक्कत है, लेकिन कंडीशन वही, दोनों पार्ट ए और पार्ट बी CBT 2 दोनों क्वालिफाई आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपके लिए दरवाजे जो ये 95% खुले हैं वो 95% उल्टा बंद हो जाएंगे। तो समझ लीजिए कि क्या करना है। और इसमें सिलीगुड़ी बहुत अच्छा इस बार का एग्ज़ाम का रहा, इसमें एक्सपीरियंस। कुछ लोग अगले बार इसका एग्जाम्पल देंगे कि सिलीगुड़ी में अप्लाई करो तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस आरआरबी में हमने 20 आरआरबी अभी तक बात किया, 2-3 आरआरबी अच्छा मिला, गोरखपुर अच्छा मिला, आपका गोरखपुर में भी अच्छा है, सिलीगुड़ी में भी अच्छा है, आपका चेन्नई में टेक्नीशियन का बहुत अच्छा स्कोप है, जम्मू JNK में भी अच्छा है। तो ये सारे आरआरबी बहुत अच्छे कंडीशन में है। उसके बाद मुजफ्फरपुर भी बात करें, वो भी ठीक ठाक कंडीशन में है। पटना भी कुछ कंडीशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्कोर का कोई क्लियर नहीं है, कितने स्कोर लोग करके आएंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम की बात करें तो कुछ अलग अलग कंडीशन बन रही है। तो ये था मेरे तरफ से आरआरबी सिलीगुड़ी का एनालिसिस। और वीडियो नंबर 20-19 तक का आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बच गया है थिरुवनंतपुरम, जो भारत के साउथ पार्ट में होता है, जिसको साउथ रेलवे, दक्षिण रेलवे के नाम से जानते हैं। उसको भी प्रयास करते हैं आपके साथ लाने के लिए।